अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हो सब ठीक होंगे। आज मैं एक नई रेसिपी लेके आई हूँ आपके सामने, ब्रेड की रेसिपी, जो दो तीन तरह की डिफरेंट मैंने ब्रेड बनाई है। और आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और कितनी ज़बरदस्त लग रही है देखने में ही। ये बहुत ही टेस्टी बनी थी, आप टी टाइम में सर्व कर सकते हैं, टी टाइम में बच्चे वैसे भी खा सकते हैं। ये वैसे भी खाने में बहुत ही मज़े की बनी थी, और मैंने तीन चार तरह के डिफरेंट स्टाइल में बनाई है, जो मैं आज इंशाल्लाह आपको बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप इसकी फ़ाइनल लुक भी देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है बनाने में। बनाना भी बहुत आसान है। चले आए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने डो ले ली है, जो मेरे पास पहले से ही गूंदी हुई है, यानी की हुई है, मैंने रखी थी। मैंने इस डो को गूंदने की रेसिपी बहुत बार अपने चैनल पर शेयर की हुई है, इस वजह से मैंने अभी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना करने की वजह से पहले से ही गूंद के रखी थी। और ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक बोतल का ढक्कन था, जिसके साथ मैं इसको एक मैंने रोटी बेली है, उसकी कटिंग मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बो स्टाइल में, सबसे पहले मैंने बो स्टाइल में बनानी है ब्रेड। आप देख सकते हैं कि मैं इसको कैसे पिज़्ज़ा कटर से कटिंग कर रही हूँ। जस्ट दो तीन निशान लगाने हैं, जिससे हम लोगों ने इसकी आराम से कटिंग कर लेनी है। बहुत ज़्यादा बारीक रोटी भी नहीं बेलनी, और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलनी है, वरना उसकी शेप उसकी परफेक्ट नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कि मेरी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, और इनकी कितनी परफेक्ट शेप आएगी। आप भी सीधा बनाइएगा ताकि आपकी भी शेप बिल्कुल परफेक्ट आए। ये अब मैं इसको डबल कर रही हूँ, कुछ भी नहीं मैं लगा रही, कोई पानी, कोई अंडा, कुछ भी नहीं, और ये ऐसे ही चिपक जाएगी। और मिड में से ऐसे करके ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी बो बन गई है, परफेक्ट बो की शेप आई है। हमने इसको बेक करना है, इसलिए ये ओपन नहीं होंगी, सिर्फ हल्का सा आपने इसके किनारों को पुश कर देना है ताकि ये आपस में चिपक जाएं, वरना इसमें पानी अंडा कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं ये बो बन चुकी हैं, और इनको मैं स्टेक रख दूँगी साइड पर उसमें रख कर। यहाँ पर एक और मैंने अगेन रोटी की तरह का पेड़ा ले लिया है, बना लिया था। अब मैं इसके ऊपर कवर करके इसको 10 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा राइज हो जाए। यहाँ पर एक छोटी सी रोटी मैंने बेली है, उसमें से ये मिड में से बिल्कुल बारीक बारीक स्ट्रिप में कटिंग कर रही हूँ। ये पिज़्ज़ा कटर की मदद से कीजिएगा कि वो परफेक्ट कटिंग करता है, फिर एंड तक कटिंग नहीं होती, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने शेप देनी है उस तरह के लिहाज से हम लोग कटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक स्ट्रिप्स की तरह मैं कटिंग कर रही हूँ इसकी, आप भी इसी तरह कीजिएगा। आप हम इसको शेप दे लेंगे जैसा डोनट स्टाइल में होती है। पहले यहाँ पर मैं एग स्प्रेड कर लूँगी अच्छी तरह से, ताकि ये जब रोल करें तो ये आपस में चिपक जाएं, ये खुले नहीं। बिल्कुल लाइट सा स्प्रेड मैं करूँगी एग, खास तौर पर किनारों पर, ताकि ये खुले ना। ब्रेड की ये रेसिपीज़ बहुत मज़े की बनी थी, बहुत अच्छी बनती हैं। अक्सर लोगों को टी टाइम में ब्रेड्स बहुत पसंद होती हैं। अब मैं इसको रोल कर लूँगी, आप देख सकते हैं मैं इसको तिरछा रोल कर रही हूँ, सीधा जिस तरह कटिंग की थी उस तरह नहीं, साइड से मैं कर रही हूँ, ताकि इसकी लेयर्स बहुत अच्छी सी आएँ जब ये कुक हो जाए ना, उसके बाद बेक होने के बाद। ये देखें इसको मैं रोल कर रही हूँ, और मैं इसको गोलाई में आपस में एक दूसरे, जैसे हम पराठे का पेड़ा होता है ना, उस समय बना के हम लोग इसको शेप दे देंगे। इसको भी मैं स्टेक करने के लिए रख दूंगी 10 मिनट के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं, ये थोड़ा सा राइस भी हो चुका है। अब मैं इसको पिज़्ज़ा कटर की मदद से, वैसे ही मेरे माइंड में आया और मैंने इसको ना घुमा के स्टाइल बनाना शुरू किया। मैंने कहा बिल्कुल सिंपल सी अच्छी नहीं लगेगी, जब ये राइस होगी, जब बेक होगी, तो उसका इसकी ये हल्की सी कटिंग साइडों से शो होगी, तो बहुत अच्छी लगेगी। ये बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस बनी थी ब्रेड, क्योंकि जो मैंने इसकी डो मैंने गूंदी थी उसमें मैंने शुगर यूज़ की थी ज़्यादा, 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें शुगर यूज़ की थी। ऑलमोस्ट डो गूंदने का मेथड वही होता है जो हम पिज़्ज़े में यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह होता है, थोड़ी सी इन्ग्रीडियंट्स थोड़े से चेंज होते हैं। यहाँ पर एक रोटी मैंने लंबाई में बेल ली है, और एक साइड पर मैं एग लगा रही हूँ, और दूसरी साइड से मैं इसकी कटिंग करूँगी। जैसा पहले मैंने बारीक शेप में कटिंग की थी ना, इसी तरह हम लोग ये देखें इसको डबल करने के बाद आप इसकी साइडों से हम कटिंग कर लेंगे। ये मैं एक फ़्लावर शेप में इसको शेप दूँगी, इस वजह से ये तकरीबन 1/2 इंच के करीब मैंने एक स्ट्रिप की जो सी चौड़ाई है वो रखी थी, इसकी कटिंग की थी।
ये आप देख सकते हैं ये हो चुका है। अब मैं इसको रोल करूँगी। इतना प्यारा फ्लावर शेप में इसकी कटिंग हो गई थी और ये फ्लावर की शेप में आ गया था। ये ब्रेड बिल्कुल फ्लावर शेप में बनेगी। जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगी ना, बेक हो जाएगी, उसके बाद ही आपको बिल्कुल फ्लावर शेप में नज़र आएगी। अब मेरे पास बीटन एग जो है, मैं सबके ऊपर इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी ताकि जो इसके ऊपर कलर आए वो अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आए जब हम इसको बेक करेंगे। तो हमने इसको बेकिंग टाइम के लिए रखना है 160 या 170 डिग्रीज पर, 25 to 30 मिनट में ये हो जाएगी डन। अगर हम हाई हीट रखेंगे तो ये फ़ौरन से राइज हो जाएगी और कुक हो जाएगी ऊपर से, लेकिन अंदर से अच्छी तरह से बिल्कुल कुक नहीं होगी। जैसे 160 डिग्रीज़ पर मैंने इसको 30 मिनट के लिए कुक किया था ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से भी सॉफ्ट और पूरी तरह डन हो। ये मैं इसके ऊपर वाइट तिल स्प्रेड कर रही हूँ, वो कि बिल्कुल मिड में। मेरे पास ब्लैक नहीं थे, अगर ब्लैक होते तो बहुत अच्छे प्रोमिनेंट होते। अब हम इसको बेकिंग के लिए ओवन में रख देंगे। बेकिंग के बाद मैं फ़ाइनल लुक आपको इसकी दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है और बहुत ही मज़े की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ये बन गई थी। इतनी सॉफ्ट, ये देख सकते हैं आप कितनी सॉफ्ट, कितनी मज़े की बनी है। नीचे से भी पूरी तरह से गोल्डन ही है, कोई ब्राउन नहीं हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद। अगर मेरी सिंपल सी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल की कोई भी वीडियो वॉच करने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। आप देख लें कितनी ज़बरदस्त बनी है ब्रेड। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।